मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह उठ के चाय नाश्ता कर लिया हुआ हम लोगों ने और दोनों बच्चे ने भी फिलहाल नाश्ता कर लिया है। और आज है संडे के दिन, तो सोचे थोड़ी सी बाहर घूम के आऊँगी। दोनों बच्चे बाहर जाने के लिए जिद कर रही थी और घर में जो है सब्जियाँ भी ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी सी सब्जियां लाने के लिए। और मैं रेडी हो गई हूँ और दोनों बच्चे को भी अभी रेडी करनी बाकी है, तो अभी दोनों को फटाफट से रेडी कर लूँगी और जाऊंगी सब्जियां लाने के लिए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ दोनों फिलहाल क्या कर रही है। तो यहाँ पे देख सकती हो, वो है राहिल मेरी दीदी का लड़का और ये है तीनू मेरी भैया की लड़की। हो मुस्कान और मासूम दोनों का अभी करूँगी, कपड़ा पहना लिया है दोनों को और अभी दोनों का बाल थोड़ी सी छोटी बना के दूंगी आज। हाय बोल दो सभी। हाय। और यहाँ पे है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को तो आप लोग पहचानते ही हो। तो अभी मैं दोनों को थोड़ी सी बाल जो है छोटी बना देती हूँ फटाफट से। तो अभी दोनों को एक एक सोटी बना के दूंगी, नहीं तो बाल जो है आँख के सामने आ जाती है दोनों की। अब बाल अभी धीरे धीरे थोड़ी सी लंबी होने लगी है और तीनू का बाल यहाँ पे छोटी सी बाल है ना तीनू। और यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, नहीं तो जो है तो यहाँ पे अभी रेडी हो गई है मासू। और यहाँ पे तो अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ और आप लोग भी हम लोगों के साथ चलिए। मैं बाहर जाके क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सब कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी और वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। जाते जाते रास्ते में आशा दीदी मिल गई और आशा दीदी ने आवाज़ लगाई दोनों को पोलियो खिलाने के लिए। तो अभी हस्बैंड ले गया है दोनों को पोलियो खिलाने के लिए और दीदी जो है बारी बारी से दोनों बच्चों को पोलियो खिला रही है। मेरी दोनों बच्चे की उम्र अभी फ़िलहाल 4.5 साल है और कुछ दिन ही पोलियो खा पाएगी, 5 साल की उम्र तक पोलियो खा पाती है। और यहाँ पर आशा दीदी जो है दोनों के हाथ में निशान लगा रही है। पोलियो खिलाना बहुत ही अच्छी बात होती है, मैं कभी भी पोलियो मिस नहीं करती हूँ और आप लोग भी पोलियो ज़रूर खिलाया करें। और पोलियो खिला के अभी गाड़ी में दोनों को बिठा रही है। फाइनली आके पहुंच गई हूँ और मेरा हस्बैंड दोनों बच्चों के हाथ पकड़ लिया है और अंदर जा रही है, नहीं तो दोनों इधर उधर जाती है और मैं कैमरा लेके पीछे पीछे जा रही हूँ। सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। Thank you.
लोगों का शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और हस्बैंड थैलिया ले रहा है और दोनों बच्चों को एक एक आइसक्रीम दे दिया और दोनों बच्चे आइसक्रीम लेकर बहुत खुश है। और अभी जाने के लिए निकल आई हूँ और यहाँ पे जो है रिसिप्ट दिखा रही है भैया को, तो रिसिप्ट देख के मासूम के हाथ में दे दिया है जो रिसिप्ट था। और दोनों अभी लेके सोच रही है क्या दे दिया है, और अभी जाने लग गई हो हस्बैंड थैलिया लेके आगे आगे जा रही है मुस्कान के हाथ पकड़ के, और मैंने मासूम का हाथ पकड़ लिया और अभी सीधा जाऊंगी घर और आप लोगों को दिखाऊंगी, देखते रहेगा। तो शॉपिंग करके आ गई हूँ अभी घर और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग किया आज। तो यहाँ पर है मैंने जो शॉपिंग किया था, तो फर्स्ट चीज मैंने लिया है ये है व्हिप क्रीम, और यहाँ पर है सीस, अमूल का सीस है, और एक लोया हूँ दही, ये मीठा दही है, और यहाँ पे लिया हूँ बच्चे के लिए फ्रेंच फ्राइज, और यहाँ पे है एक अमूल का पनीर, और नेक्स्ट चीज लिया हूँ ये दोनों बच्चे के लिए लिया हूँ चॉकलेट का डब्बा, एक पैकेट बिस्किट, ये है गुड़, हमारे यहाँ पे गुड़ इस तरीके से मिलती है, और ये है रेडीमेड पिज्जा, यहाँ पे तीन पिज्जा रहती है तो फटाफट से बन जाती है, मेरे दोनों बच्चे को पसंद है तो इसलिए मैं रेडीमेड लाके उन दोनों को बना के देती हूँ। और यहाँ पे है आमसूर पाउडर, बिल्कुल अभी, और यहाँ पर है एक केजी का शीरा का पैकेट, एक मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कैप्सिकम, यहाँ पे 4 पीस कैप्सिकम है और ये 25 रुपए का है, इसमें MRP लिखी हुई है, और ये है फ्लैट बीन्स, और ये भी है 500 ग्राम का और यहाँ पे लिखा हुआ है 23 रुपीस। और लास्ट चीज है ये प्याज, 1 kg प्याज 40 रुपीस का। तो जो मार्केट में गई थी वहाँ पे सभी सामान का जो है ऊपर ऐसे सब्जियों के ऊपर से दाम लिखा रहती है और अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है। तो अभी मैं ये फटाफट से यहाँ पर देख सकती हूँ सभी निकाल के रख दिया अभी, तो अभी मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूँगी, जो जो फ्रिज के अंदर रखने का चीज़ है और जो जो बाहर रखने का है वो तो मैं बाहर रखूँगी। तो अभी फटाफट से इन सभी चीज़ों को अपने अपने जगह पर रख देती हूँ। मैं 3 चीज़ें दिखाने के लिए रह गई थी, डाइनिंग में ही छूट गई थी तीनों चीज़ें। यहाँ पे एक पैकेट लाई थी टोमेटो केचप, एक ग्रीन चिली सॉस और एक सोया सॉस। तो अभी बहुत तेज़ी से भूख लगी है तो अभी सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ पहले, बहुत भूख लगी है अभी फटाफट से खा लूँगी चूड़ा, और अभी मैं इसके ऊपर डालूँगी दही। इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी गुड़, हमारे आसाम में चूड़ा दही और गुड़ को इस तरीके से खाया जाता है। तो अभी ये रेडी हो गई, I'm blind, but I am symphony.
खा के हो गई है और अभी काम पे लग जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे सुबह बर्तन धुल के यहीं पे रख के गई थी, इसे भी ठीक करनी है। तो आज लंच में क्या बन रही है आप लोगों को भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ, आज रेसिपी शेयर नहीं करूँगी मैं, आप लोगों को तो मालूम ही है घर में ही सबके घर में ही सिंपल सा सब्जी बनती है कभी कभी। तो यहाँ पे बने हैं मेरे टमाटर पीस और आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी सी दाल बनाई हो, और यहाँ पे बन रही है बैंगन आलू टमाटर और ड्राई फिश की सब्ज़ी। आज मैं आप लोगों को किसी से मिलवाती हूँ, यहाँ पे है मेरा देवर देवरानी, और यहाँ जो व्हाइट टी शर्ट पहन के बैठी है ये है मेरा देवर, और ये है नैना, दोनों की बेटी, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही स्वीट और बहुत ही शांत है। और यहाँ पे अभी सभी को दे दिया हूँ चाय नाश्ता करने के लिए, मेरा हस्बैंड भी चाय पी रहा है, और मुस्कान जो है नैना के साथ बहुत अच्छे से खेल रही है। और आई थी ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि कहीं एक शादी है तो शादी में भी जाएगी, तो बहुत जल्दी में थी जाने के लिए। तो मेहमान भी चले गई है और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और सो गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बाहर भी गई थी और थोड़ी थकान जैसे लग रही थी, तो एक घंटे के लिए थोड़ी सी आराम कर लिया हूँ। और यहाँ पे मुस्कान सो के उठ गई है लेकिन ठीक तरह से लगती है, नींद पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पर फिर से सो रही है। और मासूम जो है डोल लेके खेल रही है ना, डोल लेके खेलना पसंद है। और यहाँ पे मुस्कान फिर से उठती है, फिर से सोती है, पता नहीं ये लड़की के पास क्या हो गई है, सो रही है, नाटक कर रही है, देखो तो नाटक कर रही है क्या, हंस रही है, देखो हंस रही है, नाटक कर रही है ना, मुझे मालूम पहले ही चल गई थी। और अभी दोनों को दूध पिलाऊंगी और थोड़ी सी पढ़ाई कराऊंगी दोनों, अभी मैं ज़्यादातर दोनों को लिखने के लिए देती हूँ क्योंकि लिखने से बच्चों को ज़्यादा दिमाग में रह जाती है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा लिखने के लिए इसलिए देती हूँ, लिखने से मुझे ऐसे लगता है लिखने से ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रह जाती है, तो अभी फ़िलहाल दोनों को अभी पढ़ाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल दोनों को दूध पिला के अभी थोड़ी देर के लिए मैंने लिखने के लिए दे दिया हूँ, थोड़ी देर मतलब एक घंटे के लिए पढ़ाई कराऊंगी दोनों को, अगर एक घंटा रोज़ नहीं पढ़ाऊंगी तो बिगड़ जाएगी ना, इसलिए मैं एक घंटा रोज़ पढ़ाती हूँ दोनों को। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिख रही है दोनों, मुस्कान बेबी यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हो तुम, विस्मलता ए बी सी डी ऐसा बोलना चाहिए ना। और मासूम बेबी यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हो तुम, अच्छा ठीक है, तो दोनों को मैं अलग अलग देती हूँ नहीं तो दोनों को जो है झगड़ा हो जाती है दोनों को बीच, मासूम बोलती है मैं हार गई, मुस्कान बोलती है मैं जीत गई, ऐसे करके दोनों झगड़ती रहती।